भाई हैं, इनके एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि आप जब चर्च में जाएं लास्ट वेनसडे को तो पास्टर बेन से मेरे लिए दुआ करवाएं क्योंकि मैं जॉबलेस हूं। जब पास्टर बेन ने उनके लिए दुआ की वेनसडे को, उनके लिए दुआ हुई और थर्सडे को खुदावंद ने उनको ऑफर लेटर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का पाक रूह मुझे बता रहा है किसी के मुंह के अंदर छाला हो जाता है, बार बार किसी के मुंह के अंदर छाला हो जाता है, अंदर से गाल जो है फट जाती है। अगर आप अपने इस गाल के ऊपर हाथ रखेंगे तो खुदावंद आज अभी इसी वक्त आपको छू के कामिल तौर पर शिफा देगा। मुंह के अंदर आपके हर महीने में एक बार, दो बार या तीन बार अंदर से कट जाता है, अंदर की साइड से फट जाता है, कभी आपका मसूड़ा फूल जाता है, लेकिन खुदावंद आज इस बीमारी से कामिल तौर पे आपको शिफा देगा, कामिल तौर पे। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं तो अपने हाथों को बुलंद करें और यीशु को आपके अपनी जिंदगी में इजाजत दें और कहें कि खुदावंद मुझे छू और कामिल तौर पर शिफा दे, मुझे छू और कामिल तौर पर शिफा दे। आपको अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पे बैठे, खुदावंद यीशु आपको छू कर शिफा देगा क्योंकि उसके हाथ में कुदरत है। वो कुदरत वाला खुदा, वो जिंदगी देने वाला खुदा, वो शिफा देने वाला खुदा, वो आपको इस बीमारी से कामिल तौर पर रिहाई देगा, कामिल तौर पर रिहाई देगा। आज जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को, जलाल दें।